अजमेर में बीते कई दिनों से लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट बनाने को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें निगम आयुक्त चिन्मय गोपाल ने बताया कि बंगाल और आसपास के काफ़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रोसेस जारी है और दस्तावेज तैयार करने के बाद इन्हें घर के लिए रवाना किया जाएगा। जिन्होंने अपने आपको ई मित्र पर रजिस्टर करवाया है, इनको आगे ट्रेन में भेजा जाएगा, तो उसकी आज प्लानिंग हो रही है। हम इनका सारा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इनका नंबर वगैरह ले रहे हैं, आधार कार्ड नंबर ले रहे हैं कि हमें पता रहे किसको कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स बना रहे हैं इनकी, एंड आशा है कि आगे इनको ट्रेन में भेज दिया जाएगा। तो वो डिटेलिंग नगर निगम करवा रहा है। हमारे पास जो ई मित्र पे लिस्ट है वो तो 3500 की है शहर की, लेकिन अभी आज जो हमारे पास लोग हैं अभी तो 500 के करीब ही आए, तो अभी इनको रजिस्टर करके फिर हम इनको घर भेज रहे हैं। बंगाल जाएंगे सर, बंगाल के लिए गाड़ी नहीं मिला है अभी तक, बिहार के लिए गाड़ी दिया है चार, अभी तक बंगाल का गाड़ी नहीं दिया है। हम लोग परेशान हो रहे हैं घर के अंदर। कितने जने हैं? हम लोग कम से कम 100 जने हैं हमारे मकान में, किसी को बाहर तक नहीं निकलने दे रहा है, तो हम सब परेशान हो रहे हैं, तो घर जाने चाह रहे हैं। तो आज वहाँ फार्म भरवाया है गरीबनाथ गेस्ट हाउस में, वहाँ जमा भी नहीं ले रहा है, डंडा मार मार के भगा रहा है, प्लस कल जमा लिया तो आज फिर यहाँ पे बुलाया तो बोले आधार कार्ड जमा करवाने पड़ेगा, तो आधार कार्ड लेके जमा।